जसमिन, आजकल पीएमएलएन वालों को छेड़ा जाए तो बड़ा मुश्किल है कि वो फिर खामोश हों। और ये क्यों निकाला कि गर्दान सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं है, ये नीचे तक पहुंच चुकी है और सदीकुल फारूक जैसे बड़े धीमे इंसान को भी बड़ी बुलंद आवाज में काट काट के बात करनी पड़ रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो बयान हमने हमसे मंसूब किया गया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से, मियां साहब के रिस्पॉन्ड करने से पहले ही उसी दिन शाम को उनके स्पोक्स पर्सन का और उनके ऑफिस से उसके बारे में आ गया कि ये स्टेटमेंट नहीं दी। और स्टेटमेंट क्या नहीं दी, ये वाली स्टेटमेंट के हमें इस्तेमाल किया गया। हम ना तो इतने भोले हैं कि कोई नवाज शरीफ हमें इस्तेमाल कर सके। हाँ, नवाज शरीफ साहब की मुनाफिकत हमारे सामने वाजे हो गई। बड़ी देर तक वो एक बड़ा मासूम सा चेहरा बना के जो उनका स्टाइल है और सुनाते हैं बात और जमहूरियत का दम भरते थे। कोशिश हमने भी की कि ये मुशर्रफ बा जमहूरियत हो और हम इन्हें उंगली लगा के साथ लेके आए मुशर्रफ के दौर में, लेकिन हमें पता चला कि इनकी ये मुनाफिकाना चालें जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं। इन्होंने हमेशा, हमने जब भी केसेस बनाए इत्तेफाक फाउंड्री के खिलाफ, हमने कभी नहीं कहा कि हमसे एजेंसियों ने या नादीदा कुवतों ने बनवाए हैं। हमने खुद बनाए थे और हम उस पर पूरे कायम थे और आज वो सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक साबित होकर बता रहे हैं कि वो सच्चे केसेस थे। लेकिन इन्होंने जितने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए, नवाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए और बाकी मीडिया में कहा कि हमने ये सारे केसेस किसी के कहने पे बनाए थे, और इन्होंने टेलीफोन कर करके मलिक क्यूम को जो कुछ किया, और आज आसिफ अली जरदारी 27 साल के बाद उन तमाम केसेस से बाइज़त